अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के डिपो होल्डर हड़ताल पर चले गए हैं। इसी कड़ी में अंबाला में भी पूरे जिले के डिपो होल्डर आज अंबाला कैंट के गांधी पार्क में इकट्ठा हुए और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने डिपो होल्डर एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जिला प्रधान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि काफी समय से हमारी मांगे नहीं मानी गई। उन्होंने कहा कि 2022 में सरकार ने एक नया कानून लागू किया जिसमें 60 साल के जो डिपो होल्डर है उनको आगे लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने इसे सरासर गलत बताया। उन्होंने कहा कि जब हमने डिपो लिए थे तब ऐसी कोई शर्त नहीं थी। वहीं उन्होंने अपने कमीशन को भी बहुत कम बताया। उन्होंने कहा कि इससे हमारा घर का खर्चा, बिजली पानी का खर्चा भी पूरा नहीं पड़ता। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसमें 300 कार्डों पर एक डिपो मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले ही 600 पर गुजारा नहीं चलता तो अब 300 में कैसे चलेगा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले काफी समय से राशन कार्ड के अनुसार राशन नहीं दिया गया। उन्होंने मांग की कि राशन कार्डों के अनुसार ही राशन दिया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि बहुत से कार्ड धारी राशन से वंचित रह गए, वो हमें भरा बुला बोलते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलती सरकार की है ना कि हमारी। उन्होंने कहा कि हमें जो मशीन दी गई है वो अभी भी 2G है जिसमें कई बार राशन कार्ड धारक का अंगूठा नहीं लगता। उन्होंने इसे अपग्रेड करने की भी मांग रखी। उन्होंने बताया कि स्ट्राइक 1 तारीख से 15 तारीख तक पूरे राष्ट्रीय लेवल पर की गई है और उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो 16 तारीख को जंतर मंतर पर पूरे प्रदेश के डिपो होल्डर प्रदर्शन करेंगे और ये स्ट्राइक निरंतर जारी रखने का ऐलान किया जाएगा। और आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं जो काफ़ी समय से नहीं मानी जा रही। अब ऑल इंडिया बेस पर जो हड़ताल की गई है उसमें हम भी शामिल हैं। तो हमारी मुख्य मांगे जो हैं, एक तो है जो हमारे एक 2022 में एक नया कानून पारित किया जिसमें 60 साल के जो डिपो होल्डर हैं उनको आगे लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा, उनको काम नहीं करने दिया जाएगा। ये सरासर गलत है। जब हमने डिपो लिए थे तब कोई ऐसी शर्त या ऐसी कंडीशन नहीं थी कोई भी। अब जो नया बनाया तो नए पे लागू करो जो नया डिपो आज के बाद बनेगा। कोई हम सरकारी कर्मचारी है नहीं जो हमें ये रिटायर कर रहे हैं। नंबर दो, हमारे जो मार्जिन है बहुत कम है, 2 रुपये प्रति किलो है, 200 रुपये क्विंटल है, वो बहुत कम है। इससे हमारा घर का गुजारा, बिजली पानी का खर्चा, दुकान का खर्चा ये पूरे भी नहीं पड़ते। एक 300 कार्डों पर इन्होंने नया आदेश पारित किया, अभी ये अपना नया डिपो बनाएंगे, वो भी एक सरासर गलत है। जो राशन हमारे पास चाहिए वो पूरा नहीं आ रहा, जनता बार बार परेशान होती है जिसकी वजह से डिपो धारकों में गाड़ी गलौज का सामना करना पड़ता है। मशीन हमारे पास 2G की है जबकि आज पुलिस वाला रोड पर चालान काट रहा है उसके पास ही 5G की मशीन है। 2G के ऊपर बुजुर्गों के और बच्चों के अंगूठे नहीं लग रहे जिसकी वजह से बार बार उनको चक्कर काटना पड़ता है। हमें मशीनें 5G की बनाई जाए। अगर 5G की मशीनें नहीं हैं तो हर डिपो को वाईफाई किया जाए ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। हमारा कमीशन बहुत कम है जिससे वजह से कि हम हर प्रकार से जनता को सुविधा देना चाहते हैं ईमानदारी के साथ, लेकिन हमें भी ईमानदार बन रहे हैं, हमारे साथ ईमानदारी का सलूक किया जाए। चौथी बात, जैसे चीनी है हमारी कोई मार्जिन नहीं है, तेल आ रहा है सबसे महंगा आइटम हमारे पास तेल है, तेल का हमें 1 रुपया दे रहे हैं जबकि एक बोतल को चूहा मुंह मार दे एक डिपो होल्डर को 150 रुपये की बोतल आके रखनी पड़ेगी। इससे भी हमारा छुटकारा करो, कम से कम हमें इसको 5 रुपये पर बोतल के हिसाब से कमीशन मिलना चाहिए।